जनता से ही उम्मीद की जाएगी, जनता को विश्वास दिला जाएगा। हमने पिछले 10-11 साल जो मेहनत की है, हमारे भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने, हमारे नेताओं ने, और जिस जिसके लिए भी हमने संघर्ष किया है, आज उस संघर्ष का फायदा हमें मिल रहा है। आज मुझे ऐसा लगता है, लोग मुझसे कहते थे कि भाई आप बेमतलब किसी की मदद के लिए चले जाते हो, इसका क्या फायदा होता। मैं हमेशा कहता था कि इसका फायदा एक दिन आने पर मिलेगा, और आज फायदा ये है कि जब मैं कहीं जाता तो पता लगता, वो मुझे बताता कि जहां आपने उनकी मदद की थी उस गांव में, उस कस्बे में, किसानों की, महिला पहलवानों की, 69 शिक्षक भर्ती की, वो हमारे रिलेशन में थे, उन्होंने हमें फोन करके कहा कि चंद्रशेखर की मदद करना। तो इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, और मेरा विश्वास है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है, जिसमें चुनाव आयोग ने तय किया 95 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। देश के 80 करोड़ लोगों में तो 95 लाख रुपए नहीं है, वो तो सस्ता राशन पे डिपेंड है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो आधी से ज्यादा आबादी जिस देश में रोटी रोजी के लिए मोहताज है, उसमें प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, जनता का विश्वास जीतने काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा, ये चमत्कार ही है लोकतंत्र का। जहां राजा महाराजा राज करते थे, वहां किसान मजदूर के बेटों को भी अवसर मिल रहा है, ये लोकतंत्र का चमत्कार। लेकिन अभी राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाया, क्योंकि आज भी पैसे वाले लोग ही राजनीति में कामयाब हो रहे हैं। हम उस काम राजनीति को बदलना चाहते हैं, हम एक नई राजनीति का उदय करना चाहते हैं, जिसका सपना माननीय काशीराम साहब ने देखा था, वो राजनीति जिसमें, क्योंकि वोट डालने पैसा नहीं लगता, तो अपने छोटे छोटे साधनों से हम इस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अवसर पैदा करना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं काम, जिससे मेरे बाद की नौजवान पीढ़ी में ये बल पैदा हो कि उनको भी देश सेवा और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। आज देश कमजोर हो रहा है, आज संविधान की मर्यादा को उनके उद्देश्य कुचला जा रहा है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आवाज उठाते हैं तो लाठियों स्वागत होता है, आशा आंगन का बाड़ी भोजन माता तमाम परेशान है, जो वेतन मिलता है उसमें घर भी नहीं चलता है, मनरेगा में 365 दिन होते हैं लेकिन 100 दिन के रोजगार का वादा किया, 25 दिन नहीं दे पा रही है सरकार, सारी सड़कों के बुरे हाल हैं। यही हम, ये हल्दौर है और ये बाबा नानक देव जी की ने यही हल चलाया, ये खेती किसानी की जमीन है, और आप देखो यहाँ किसान सुसाइड करता, क्यों? क्योंकि ये जो मील है वो समय पर भुगतान नहीं करती, और बहुत बड़े वादे किए थे किसानों की आय दुगनी कर देंगे, मिलों का पैसा, मिलों से पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उनपे कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, किसान सुसाइड कर रहे हैं, जो आप बीज का पैसा लगाते वो भी समय पर नहीं मिल पाता, साहूकार कर्ज उतार देता, किसान की जिंदगी बदल जाती, चप्पल घिस घिस के उसके बाल भी सफेद हो जाते हैं उम्र से पहले, ये दिया है सरकारों ने हमें, और हम तो समझते हैं लोकतंत्र को। आज हम कमजोर हैं, जनता ने हमें ताकत दी तो हम उस पोजीशन में आएंगे कि इनके हितों के लिए पार्लियामेंट में लड़ेंगे। ना अच्छा स्कूल है, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी है, बाढ़ की समस्या है, खो की समस्या है, गुलदार ने किसानों का जीवन, मजदूरों का जीवन खत्म कर दिया है, 25 लोगों की जान चले, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए बहुत बदलाव की जरूरत है, रोजगार के साधन नहीं है, हरिद्वार जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए, तो अपने ही प्रदेश में, अपने जिले में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं, गरीब आसान से इलाज करा दे। और मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ के हमारे साथियों ने अपने मेहनत से अच्छा कार्यालय खोल के और इतना बढ़िया जन समर्थन जो यहाँ जुटा है, ये जन समर्थन इस बात की गवाही दे रहा है कि 2024 में जो 19 तारीख को वोट पड़ेंगे वो आजाद समाज पार्टी 70% से ज्यादा मत लेके जाएगी। देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा कि किसान भी देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे किसानों के आय दुगनी के, हुए या नहीं हुए? जो कहा था कि हम बिजली मुफ्त देंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, हुआ नहीं हुआ? आप किसानों से पूछो, वो ठगे गए हैं। और मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, मैं किसानों को कह रहा हूं कि आपने पहले भी किसानों ने मजबूत आवाज चौधरी चरण सिंह के रूप में बनाई, जिन्होंने भूमि सुधार किया, जमींदार उन्मूलन खत्म करके जो है, जमींदार उन्मूलन करके जो है गरीबों तक जमीन पहुंचाने काम किया, उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद, काशीराम साहब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में। और जब तक लोगों के जिंदगी में खुशहाली नहीं आती, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हमारा मकसद MP MLA बनकर कुर्सी बैठना नहीं, ऐसा होता सुविधा की राजनीति के लिए बहुत अवसर थे हमारे पास, लेकिन हमने उन सबको नकार दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। हमने किसी का सहारा नहीं दिया, जनता के सहारे के लिए हम जनता के बीच आए, और हम जनता की मदद से आगे बढ़ेंगे और जनता की आवाज बनेंगे, जनता के हितों के लिए लड़ेंगे, और जो गुंडागर्दी करिए सरकार, उस गुंडागर्दी को रोकेंगे, गुंडे करने वालों को भी सबक सिखाएंगे। हमने जनता अलायंस बनाया है, और मुझे लगता है कि जनता अलायंस की जरूरत है। जब आप जनता के बीच में रहोगे, उनके हितों के लिए लड़ोगे,
तो जनता में जो प्यार पैदा होगा वही जनता वोट देगी। हर व्यक्ति की वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी एक ही वोट कर सकता है। तो प्रधानमंत्री और चंद्रशेखर सबकी वोट बराबर है, तो जनता अलायंस की जरूरत थी वो हमने कर लिया। अब दलितों के आंदोलन पिछड़ों के आंदोलन खड़े होने लगे हैं, तो अब उनकी बात करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी तो फिर उनके स्वतंत्र आंदोलन मजबूत हो जाएंगे, तो जो बातें करके वोट ले जाती शायद वो खत्म हो जाए। आज के जो ताकते संविधान खत्म करना चाहती है उनके बीच में अकेला चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, बाकी और कोई नहीं है, नो वन सिंगल पर्सन। इधर आरएसएस भाजपा की सोच और इधर बीच में चंद्रशेखर आजाद जो कुचलना चाहते लोगों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को। अग्निवीर का जवाब कौन देगा? आप अग्निवीर लाए, पुलिस की भर्ती में पेपर लीक हुआ, इसका जवाब कौन देगा? 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला कर दिया, इसका जवाब कौन देगा? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है सड़कों पर, इसका जवाब कौन देगा? महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी, इसका जवाब कौन देगा? और फिर कह रहा हूं ये पढ़े लिखे नौजवान माँ बाप ने एक पैसा लगा के पढ़ा दिए, कहां जाएंगे, क्या इसका जवाब है? तो सवाल सच ये है कि कोई जवाब नहीं सरकार के पास। एक ही बात है कि वो सबको लाठी डंडे से हांकना चाहते, ये नहीं चलेगा। ये लाठी डंडे से हांकने वाले लोग नहीं है, इंसान है, ये जानवर नहीं है, और जानवरों को भी आज नहीं हांक सकते आप। तो इसका ये बदलाव है और जनता बदलाव के लिए तैयार है। जनता इस बदलाव को चाहती है कि एक मजबूत आदमी यहाँ खड़ा हो, क्योंकि इन्होंने तीन तीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिए, तीन तीन अलग अलग पार्टियों के, पहला समाजवादी का, फिर भाजपा का, फिर बसपा आरएलडी समाजवादी लाइन्स का, लेकिन तीनों ने जनता की वो मदद नहीं की जो होनी चाहिए थी। आज भी क्षेत्र आप देखो ना, सड़कों पर इतना बुरा हाल है कि अंदर धूलें जम गई हैं। तो ये इंसान नहीं है क्या? क्या इनका जीवन नहीं है? क्या इनकी जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है? तो क्या दिया सरकारों ने? इसको बॉर्डर समझ के नकार दिया, इसको बॉर्डर समझ के नकार दिया। उस बॉर्डर की रक्षा करने का काम और उस बॉर्डर का सम्मान बढ़ाने का काम चंद्रशेखर आजाद करेगा, इसलिए हम लोग यहां मैदान में। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहता, जनता सब देख रही है कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम तो चार चार गोली खा के मैदान में हैं। हम सुख सुविधा के लिए नहीं बैठे हैं, हम डर नहीं रहे हैं, मौत तो एक दिन आएगी। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं, हम अशफाकउल्लाह खां को मानते हैं, वीर अब्दुल हमीद को मानते हैं। मौत से डर के अगर घर में बैठे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए चे गुवेरा, उन्होंने बहुत अच्छी चार लाइन कही कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं उम्र ना जाए। तो मरने के डर से अगर हम ना लड़े तो देश बचाने वाले जो क्रांतिकारी उनके सम्मान से भी जो है, उनके संघर्ष से, उनके बलिदान से भी खिलवाड़ हो जाएगा, और ये नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।